मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लड़की की अपनी पर्सनल चॉइस है, करना है करो और नहीं करना तो भी बिल्कुल मत करो। नहीं कोई ठग तू दिखा दो राम फड़की भूके ओ लेना। राम राम सारे ने, मैं हूँ तेरे गिले कुसुम गोए, तरिश टेम मेरे गिले सपना चौधरी है, सारे जानो बताने की जरूरत भी कोन्या। और ये भी राम फड़की बहू बन गई है, क्यों बन गई है, क्यों घर बन गई है, वो इनते ही पूछांगे, यू डिसीजन क्यों लिया इन्होंने। और बड़ी पॉपुलर भी हो रही है, और जो है यूट्यूब पर चल कर देखियो तो हम राम फड़की बहू क्यों कर बन गई है, फिलहाल इनते पूछांगे कुछ मोटी मोटी बात। और यू जो इंटरव्यू है ना, यू थोड़ा इंटरटेनमेंट होने वाला है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेवांगे, थोड़ा मजाक में लेवांगे। और मैं तो चाहूँगी मैडम तब भी कि भाई हरियाणवी में ही बोल रहा है, क्योंकि भाई हरियाणा मैंने इतना प्रमोट कर लिया तो भाई हरियाणवी में ठीक है। कल तो जी राम राम। राम राम। और पहली बार बढ़िया लग गया भाई, कोई आई है लेके पूरी नू ठेठी ये मजा होएगा जी। अच्छा जी, आप राम फल की बहू बन गयो, नू क्यों कर दिमाग में के आया ना? बहू तो मैं वीर की हूँ। हाँ बाकी राम फल की बहू एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यो, और जब आप यूट्यूब चैनल पर जाके देखोगे इस गाने ने तब आपने समझ में आएगा कि यो क्यों कर के है, तो इस खातिर तो भी देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा इस गाने में ना मैंने भी देखा, इब आपने भी सुनवाया था, तो राम फल की बहू ओला ओला करण लग रही है, ओला ने लेकर न शुरू तक लेकर आज लग बहुत सारी चल लग रही है कि भाई ओला करना करो, गनखरे तो नुकवा है, गनखरे नुकवा ना ओला तो करो सही तरिया, मतलब क्या हो गया ओले के ऊपर? मतलब मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो शुरू तक एक ही है कि देखिए यो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने करना है और कि आपने नहीं करना है। लेकिन ओला पहले जो ज़माने में अपने बड़े तक कराया करते हम, वो उनकी रिस्पेक्ट खातर कराया करते, ना कि मतलब वो कोई जोर या ज़बरदस्ती होया करती। तो मेरे ख्याल तक यो वो वाली बात है, कोई भी मुहिम चला दे हैं तो उसने घने नेगेटिव वे में भी ले जा है, घने पॉजिटिव वे में भी ले जा है। तो मैं इसने लेके हमेशा पॉजिटिव रही हूँ, मैंने मेरे घर में कोई रोकटा टोकटा नहीं। अच्छा। और ना मैंने कोई नू कहंदा भी ओला करके चाल या बड़ा आ रहा है या ये है या वो है, तो मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हाँ लेकिन जो पहले के अगर आप उसने देखोगे तो ये खाली रिस्पेक्ट खातर होया करता, इसने इतना विवाद मत बनाओ, पहले के टाइम पे और था और ईब के टाइम पे और है। लड़की की अपनी पर्सनल चॉइस है, करना है करो और नहीं करना तो भी बिल्कुल मत करो। अच्छा जी, और आपका जो लुक मैंने देखा शुरू तक लेकर नहीं लग कितिया भी आप जाओ हो, बिल्कुल सिंपल तरीके तरह हो, इतनी ऊंचाई पर जा ली बीबी नू को ना कि भी हो रहा किटल या बिल्कुल फैशन दिखा रही है ना? हां मैंने रहना बढ़िया लगे ठीक लगे मैं सही हूं। अच्छा एक बजे कर आपने गाना मोहल्ला कर रखा, नुकर के दिखा दोगी? नाइब तो नहीं कर सकती। क्यों? उस तरीके का पैर को नहीं रखा। अच्छा। शर्टर पैंट में बैठी हूं भाई। चुन्नी तो मैं दे दूंगी, चुन्नी तो मैं दे दूंगी भाई एक बार, कोई बात नहीं ले भाई। अरे एक लाइन भी गिल्ले आन दो, ले भाई लाइन भी आन दो ना। लाइन तो वा गावेगी जिसने गा रहा है। लाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक लाइन भी बोली थी। ले पहले तो ओला ले लियो अपना। गाना तो मैं कोई सा भी गा सकूं हूं, और अपनी पसंद का गा दो फिर। मैं अपनी पसंद का गा दूं ना, यो गा दूंगी जो रिलीज हुआ। कोई धोरा लग भी आता ना है, देख पिया के डोले न, कोई ठग तू दिखा दो राम फल की भूके ओले न। मतलब भाई कोई इनका ओला नहीं ठहर सकता गाने में। बिल्कुल नहीं। अच्छा जी बॉलीवुड तो दूरी क्यों बना लिया आपने? ना ना दूरी तो ना बनाई, मैनू काम कम कराया करूँ मैं उड़े, थोड़ा अपना पसंदीदा काम करना मैंने बहुत पसंद है। तो कोई मेरे पे अपनी अगर वो वाली बात है अपनी चॉइस थोपने की सोचा तो मैं उस तरीके की हूँ नहीं। तो अगर मैंने कोई काम उधर का पसंद आवे है, स्क्रिप्ट पसंद आवे, गाना पसंद आवे तो मैं करूँ। अच्छा तो कर लूँगा। अच्छा वेब सीरीज खूब चलन लग रही है अपनी हरियाणा की भी, आपने देखी होगी? आपका भी कोई हरियाणा की कोई वेब सीरीज अब तक नहीं देखी है? हाँ सुनती तो रहूँ हूँ, प्रमोशंस हो हैं तो देखण में भी आ जाए हैं, एक आधे का टीजर भी नजरा के सामने आ जाए, पर नू पूरी तरीके तक देखी नहीं है तो उन पर मेरा कोई फिलहाल ओपिनियन है नहीं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो और भी बढ़िया तरीके तक करो। नहीं मतलब आप भी किसे उसमें देखने में? ना मैं फिलहाल तो नहीं, और मैंने फिलहाल अभी एक प्राइम के लिए वेब सीरीज करी है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, अभी एक फिल्म में एक गाना किया है। अच्छा। एमेवरिक के साथ एक गाना किया है। तो मैं फिलहाल
अच्छे बढ़िया प्रोजेक्ट करने लग रही हूँ। हरियाणा के मैं रेगुलर बेसिस पे करती ही रहूँ हूँ, तो हरियाणा तक दूरी मैं कभी नहीं बना सकती। मैं करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूँ। आपके हस्बैंड भी गाना कब आऊंगा? वो तो भी जब मारा दोनों का जी करेगा। सारे बाट देखने लग रहे हैं आपका गाना ना आया है। हम काम तो सुबह आपका बेटा भी आ जाए तो हम काम तो जुड़े ही नहीं एक दूसरे के। अच्छा, और हम प्यार तो जुड़े हैं और हम प्यार तो ही रहा हाँ, और घने खुश हैं एक दूसरे खातर, एक दूसरे की गैल, और एक दूसरे के काम के बीच में नहीं आते ना, वो मेरे काम के बीच में आते हैं ना मैं उसके काम के बीच में आती, और प्राउडली कह सकूँ मैं भी की बीवी। तो भाई आपका छोरा बड़ा क्यूट है, जब आप एंडी गोलू मोलू सा है नी, वो तो देखा ही नहीं किसी ने। मतलब कुछ शुरू में जो फोटोज वगैरह हाँ, तो उस हिसाब से कहूँ वो पूरा वीर पे गया है। अच्छा, नुकनु नुकनु। अच्छा, आपके हस्बैंड जो वीर जी है उनके बारे में एक सबसे बढ़िया चीज जो आपने लगा है जिस पर आप फिदा होगी वह बता दो। वो गणा सीधा है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने कुछ अच्छा लग गया तो अच्छा कहो, अगर बुरा लग गया तो भाड़ में जाओ। अच्छा, सीधा मुंह पे कह दे। चलो जी, आगे आने वाले और भी गाने के बारे में थोड़ा बताओ। अच्छे अच्छे गाने आवाएंगे और प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे आवाएंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा इन्वेस्टर लेके आवा और हरियाणा खातर कुछ और भी बढ़िया सा क्रिएटिव बनावा। आपके सबसे पसंदीदा एक गाना जिसका आपने फेम मतलब नाम मिला हो, जो आपके दिल का बिल्कुल करीब है? मैंने मेरे सारे गाने मेरे बालका वर्गे हैं। नहीं, जैसे एक गाना नू नहीं हो जाकर जमाई कति पॉपुलर हो गया है उस जमा जी, ऐसा कोई गाना मैं नहीं कह सकती कि मैंने सारे माता जो कर आप पूछोगे तीन बाल का कौन सा ज्यादा प्यारा है, तीनों है भाई। मैंने अपने सारे गाने बहुत अच्छे लगे हैं, घने प्यारे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा जी, आप बिल्कुल है ना मिडिल क्लास फैमिली तक उठ कर ना इतनी ऊंचाई पर पहुंची हो, बहुत सारी छोरी जो है आप जिसी बनना चाहे, लेकिन बहुत सारे गांव गुआंड में नू भी कब है कि भाई ना उस जिसी नहीं, थोड़ा नेगेटिव बिलेव है, तो आप उनने के कुछ करना चाहोगे? ना ना, मैं उनने के सीख दूंगी, मेरी अपनी जर्नी है। मेरा छोरियाना देखो भाई, छोरियाना नू कहूंगी कि भाई माँ बाप अगर आप खातर कुछ सोच रहे हैं तो वो अच्छा ही सोचेंगे। अगर आपके माँ बाप ने मैं नहीं हूँ पसंद तो वो आपने अच्छे तरीके में समझान लग रहे हैं तो आपने नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट में क्या कहूँगी हरियाणा वाला खातर, हरियाणा वाले में क्या खास चीज हो वह छोरिया छोरिया में? छोरे यार छोरिया में देखो, छोरिया तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हूँ, छोरा खातर नू जरूर बता सकूँ। हाँ, पूरा हिंदुस्तान घूम ली, यहाँ के छोरे दिल के बड़े साफ होया करा। सही बढ़िया हुआ है, पूरा ढूंढा ढा रखा है ना। चलो जी, लास्ट में हमारे दर्शक ने क्या कहोगा? बहुत बढ़िया मैडम गैल बात करके आज बहुत मजा आया, पहली बार कोई ऐसा इंटरव्यू कराया जिसमें अपनी भाषा बोलने का भाई तो बतलाया बस इंटरव्यू नहीं आई। हाँ, घना मजा आया और देखते रहो, आगे भी होप सो मिलेंगे। बिल्कुल भाई, देखो थोड़ा हाँ बातचीत थी इंटरटेनमेंट टाइप में, और इंटरव्यू तो फुल मैं फिर बाद में लेकर आऊँगी, पूरी हिस्ट्री पूछांगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो ये बताऊँगी ना बहुत मतलब शोक भी लगेगा। फिलहाल नू है कि इस इंटरव्यू में इतना, यार तम के कुछ करना चाहोगे? सपना चौधरी का बाना बारे में है और इनका गाना जरूर सुन लियो, रामपड़ की बहू है ना, बाकी वीर की बहू है यार। बिल्कुल। चलो भाई, शेयर कर दियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो, मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम।